आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। विधानसभा का चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव की तारीख है नजदीकें आती जा रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं और इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम नए साल के नए दौर में और आज हम जनता की राय ले लेते हैं कि इस बार 2022 नई साल जो कि क्या जनता बदलाव चाहती है या दोबारा से योगी जी के सर पर पहनाना चाहती है ताज। और यहाँ से हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इन यहाँ जनता के लोग हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये लोग इस बार 2022 में किसको देते हैं सत्ता की चाबी, किसको पहनाते हैं ताज 2022। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन है। जिस तरह 2022 चुनाव नजदीक आ गया, आप युवा हैं, कितना खुश हैं योगी सरकार से 5 साल के जो कार्यकाल से? मैम, जो प्रदेश की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इनके मैनिफेस्टो में जब ये सरकार में आए नहीं थे उससे पहले इन्होंने कहा था 1 करोड़ रोजगार हर साल, 2 करोड़ रोजगार हर साल। तो आज का युवा सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो बेरोजगारी से परेशान है, घर परिवार के लोग परेशान हैं तो महंगाई से परेशान है, स्वास्थ्य सेवाओं से परेशान है। कोरोना काल में आपने देखा अनगिनत लोगों की मृत्यु, इनकी आप कैसे कह सकते हैं कि युवा परेशान है? युवाओं के लिए तो मोबाइल और ये जो टैबलेट दे रहे हैं योगी जी, शायद आप एक बार इसको भी खबर को मैं चलाता हूँ, आप गूगल करिए, जिन युवाओं को ये टैबलेट मिले हैं वो लोग OLX पे इसे बेच के अपने घर परिवार की रोजी रोटी चला रहे हैं। आप अभी की कल के अखबार में ये पढ़िए, तो ये 4 साल पहले से अगर देते तो कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें नए नहीं खरीदने पड़ते, उन्हें उनके काम आते। ये सिर्फ ढिंढोरा है चुनाव से पहले इनका। मेरे साथ यहाँ एक और युवा मौजूद, मैं इनसे भी बात करना चाहती हूँ। और ये यहाँ मैंने देखा है इनके बैग पर ये लिखा है सांसद खेल स्पर्धा, तो यहाँ ये BJP से संबंध रखते हैं और मैं इनसे बात कर लेती हूँ। युवा कितना खुश है? मैडम, मैं पहले बता दूँ, मैं कोई BJP का प्रचारक नहीं हूँ वैसे जी। मैं ये खेल से संबंध रखता हूँ, बॉक्सर हूँ और ये खेल के माध्यम से इन्होंने अपना प्रचार फैलाया है, जिसमें खेल में कोई भी जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता उसमें, इन लोगों ने इसके द्वारा समाज के अंदर खेल में। युवा कितना खुश है? युवा बिल्कुल खुश नहीं है, महंगाई बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई रोजगार नहीं है कहीं पर भी, स्कूल जो स्पोर्ट्समैन होता है उसको स्कूल्स में या नौकरी मिलती है, कहीं भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, स्कूल्स बंद डले हुए हैं, छात्रों के साथ इतना हनन हो रहा है कुछ पूछिए मत। योगी जी ने तो रोजगार और नौकरियों की बात कही है, आप कैसे कह सकते हैं सबको रोजगार मिला? आप देखिए कहाँ स्कूल्स बंद हैं, बच्चों को घर पर बैठा कर फीस जबरदस्ती ली जा रही है और क्या नाम है ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर वसूली की जा रही है, लोगों पर रोजगार नहीं है, लोग मेहनत करने जा रहे हैं और उनके साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार हो रहा है हर जगह पर, किसी भी जगह आप ले लें किसी भी क्षेत्र में। यहाँ मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी और 2022 का ताज किसको पहनाना चाहेंगे मैं ये जानना चाहूँगी। नाम है सनी चौहान जी। 2022 का जो ताज है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो आप किसको पहनाना चाहेंगे इस बार? इस बार अखिलेश यादव जी को हम सत्ता में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सरकार में जितना विकास हुआ इतना विकास इस जो चल रही सरकार में विकास नहीं हो पाया। कैसे कह सकते हैं, योगी जी ने तो विकास की गंगा बहा दी है उत्तर प्रदेश के अंदर। छोटा सा एग्जांपल दूं, आप जहां इस क्षेत्र में खड़े हैं, इस क्षेत्र में आके लोगों से भी आप पूछ लेना, जितना विकास इस क्षेत्र में अखिलेश जी की सरकार में हुआ उतना विकास इस प्रेजेंट सरकार में इस क्षेत्र में नहीं हुआ। जब हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ तो प्रदेश में इतना विकास कहाँ से हो जाएगा? जिस तरह से ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है योगी सरकार में और साफ तौर से इनका कहना है कि अखिलेश सरकार में विकास हो, ये कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार की गंगा नहीं, ये इनसे बात की गंगा नहीं, गंगा में लाशें बहाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो इस सरकार में हुआ है। आपने देखा होगा TV के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये खबर चली थी। योगी जी ने तो आवास योजना चलाई और ये महिलाएं सुरक्षित हैं, ये सब योजनाएं चलाई हैं, काफ़ी योजनाएं ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता को मिली हैं। आप कैसे कह सकते हैं, अभी जनधन योजना है, श्रम का ई श्रम कार्ड है, ये सब चीज़ें योगी जी ने चलाई हैं, आप कैसे कह सकते हैं? महिला सुरक्षा पे मैं बोलना चाहूँगा, महिला सुरक्षा की बात करने वाले, मलपुरा में एक 6 साल की बच्ची थी जिसे खेत में ले जाके जिसके साथ रेप हुआ और उसे मार दिया गया, क्या ये घटना निंदनीय नहीं है? क्या इन्हें शर्म नहीं आती महिला सुरक्षा पे बोलने पे? हाथरस की बेटी को कौन सा सनातन धर्म में लिखा है कि 12 बजे के बाद आप पेट्रोल डला के जला दीजिए परिवार के बिना? क्या ये महिला सुरक्षा की बात करता है? एक बेटी जो मथुरा से SI का पेपर देने आई थी, खुद पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, उसके साथ गाड़ी में रेप हो गया, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं? बिल्कुल बेशरम लोग हैं ये। मेरे
साथ यहाँ एक और भाई मौजूद है, मैं इनसे भी बात करना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल नाम है मेरा। इस बार किसको ताज पहनाना चाहेंगे, योगी जी को या फिर किसी और को? असल में जो आगरे के लिए काम करेगा उसके लिए उसका साथ देंगे। आगरे के लिए किसी ने कोई काम नहीं करा। ऑल वर्ल्ड के अंदर अगर ताजमहल है तो आगरे के अंदर है। आज 9 MLA इनके हैं, 2 MP भी BJP के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं थी, आज मेट्रो की जरूरत नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जरूरत थी। आगरे से गरीबी नाम की चीज खत्म हो जाएगी जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। यहाँ की जनता बेवकूफ है कि पहले हमारी प्रदेश में सरकार नहीं है, अब केंद्र में सरकार नहीं है। हर बच्चे के पास काम होगा, कुछ नहीं दे, केवल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दे आगरे को, जिसकी आज जरूरत है। आप कैसे कैसे तो डबल इंजन की सरकार है, वो तो विकास की गंगा पे गंगा बहा जा रही है। नहीं भाई, आगरे के अंदर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दे, ना कि दिल्ली को जरूरत है, ना कि जेवर को जरूरत है, आगरे को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की जरूरत है। और ताजमहल आगरे में, हर रिक्शे वाले के पास काम होगा, चैन का सिस्टम होगा, हर आदमी के पास पैसा होगा। मेट्रो से आप खुश नहीं हैं? आप मेट्रो से खुश नहीं हैं? नहीं, कुछ नहीं, मेट्रो की जरूरत नहीं है। मेट्रो के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे, जब पैसा नहीं होगा बैठेंगे कहाँ से मेट्रो में। आज आगरे को जरूरत है तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जरूरत है, कुछ नहीं चाहिए हमें, नाली खरंजे सड़क कुछ नहीं, केवल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चाहिए जिससे हर आदमी के पास काम हो। देखिए यहाँ ये भाई, इनके अंदर बहुत गुस्सा था, इनके अंदर एक दर्द था, क्योंकि इनका जो रोजगार है यहाँ आगरा में, जो आगरा ताज नगरी कही जाती है, ताज महल से रिलेटिव जो भी कारोबार है, जो बिजनेस है, वो पूरी तरह से ठप है। तो इनका पूरा तरह से ये दर्द बयां कर रहे थे। मेरे साथ एक भाई और बैठे, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। देखो, योगी जी ने, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, देश के हित के लिए किया है। 370 धारा हटा के, मतलब देश हित के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये बीजेपी आएगी, जरूर आएगी बीजेपी आएगी। देश हित के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे, मतलब जो बाहुबली थे, जिन्होंने मतलब पैसा कमाया, मतलब अब निकल ले आए, जो बीजेपी आएगी। अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश? हाँ, अपराध मुक्त हो गया है बिल्कुल, मतलब कहीं भी, मतलब वो असुरक्षा नहीं है, अपराध हमारे घर में नहीं है, सब बकवास कर रहे हो आप बीजेपी आएगी। योगी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, योगी जी मुर्दाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। 370 दशहरा खत्म कराएगी नहीं कराएगी हिंदुस्तान? अरे क्या मिला 370 में, क्या मिल गया? अरे क्या मिल गया बता, 370 उठा के सब कुछ कर सकते? अरे क्या मिला बताओ, 370 से क्या मिला? बहुत कुछ मिल गया, देश के लिए मिल गया। अरे वहाँ पर जाके देखो, मतलब श्रीनगर में जाके देखो कितना क्या मिल गया, कुछ माहौल नहीं है। ये सब कहने के आतंकवादी कितने मारे जा रहे हैं, कितने आतंकवादी मारे हैं? आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के कोई 5 कार गिरा दीजिए। क्यों? देखो विकास कार्य बहुत हुए हैं, आतंकवादियों, बाहुबलियों को खत्म किया, भ्रष्टाचार खत्म किया, नौकरियों में भ्रष्टाचार होता था वो खत्म किया या कि नहीं किया आपने? मतलब आप देख रही हो ना, बीजेपी आएगी, जरूर आएगी बीजेपी राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है, देश हित के लिए काम कर रही है, सभी देशवासियों के लिए काम कर रही है। कितना काम कराया है बीजेपी? अच्छा काम किया। क्या काम कराया? एक काम गिनाओ, ये सड़क देख लो, यहाँ से देखो कोई कितनी कीचड़ बढ़ रही है। योगी जी तो कहते हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। कोई मुक्त नहीं है, यहाँ सड़क देख लो, वहाँ से आके देखिए कितना रोड खराब है। ये यार जी रोड बहुत खराब है, बहुत खराब है। योगी जी तो कह रहे हैं सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। तो बनवा रहे हैं, वो बने नहीं कर रहे हम जी। इस रोड का नंबर क्यों नहीं आ रहा है? 10 साल हो गए, कम से कम 10 साल। योगी जी के पूरे 5 साल होने को आ गए, गड्ढा मुक्त नहीं हुई। तो वो ऐसा है ना जी, अभी रोड पर नहीं हो रहा है, रोड तो चमन हो रहा है सब, इस रोड को क्यों नहीं ले रहे हो? 50 मजदूर निकलते हैं। क्या यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं रहते? हमने तो दूधी आदमी है, धार कराते हैं बस। और हमें टंकी लेने में बहुत परेशानी आती है। कभी आपने पूछा नहीं कि यहाँ कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी रहता है जो कि रोड सही हो जाए? हम किस किस को पूछे, हम तो अपने दूध लेके आते हैं, पूरा दूध लेके आते हैं हम। अरे बीजेपी के MLA है, बीजेपी का पार्षद है, बीजेपी का जो है सब कुछ है, तो कौन करेगा इनको गड्ढों को? फिर भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। हमारा जन्म बीत गया, 22 साल हो गए, 22 साल आज तक तो कभी रोड बना नहीं है जीवन में।
इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, एक एक फुट के गड्ढे हैं, यहाँ गाड़ियाँ रोज पलटती हैं, रोज कम से कम 200 गाड़ी के ऊपर लटती है। ये क्षेत्र इतना मतलब यही एक मेन रोड है यहाँ से जाने के लिए, एक गड्ढा, इतने गड्ढे हैं इसमें, इतने गड्ढे हैं। अभी उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उसके द्वारा जब आए थे उस समय ये ऊपर कर दिया, थोड़ा सा बना दिया। अभी भी ये सड़क कई सालों से बनने के लिए डली, अभी तक नहीं बनी है। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। सूरज रोड के पैसे आते हैं, रोड नहीं बनता पूरा 20 साल हमें हो ही देखते देखते। थोड़ा थोड़ा जैसे जहाँ जहाँ से टूटा उधर उधर से बन जाता, उसके आगे रोड नहीं बनता। आगे से पूरा इतना बड़ा चौड़ा रोड था, इतना रह गया। नहर बड़ी हो गई है, नहर बड़ी हो गई है बरसात के। आप बाबा बुजुर्ग हैं, आप क्या चाहते हैं 2022 में, क्या सत्ता का बदलाव चाहते हैं? सुनो, हम ये चाहते हैं कि हमको यहाँ पर, मेरा नाम छत्रपाल सिंह है, छोटा खोरा नई आबादी संगीतापुरम में रहते हैं। आज से कम 40 सालों रहते हुए हो गए, अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की है। कई दफे हम कंप्लेंट कर चुके हैं, परेशानी होती है हमारे लिए। जिस तरह देखा जा रहा है, यहाँ जनता बहुत दुखी है और यहाँ जो रोड है उसका बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि इस बार 2022 का जो ताज है जनता किसको पहनाने जा रही है। क्या नाम है आपका? बीगम। 2022 जो विधानसभा का जो चुनाव नजदीक आ गया है, तो आप किसको इस बार मुख्यमंत्री पहनाएंगे? अब को गजू करे, हमारे यहाँ बना रहे वैसे बना दे। क्यों, योगी जी ने तो आवास योजना से लेकर कई ऐसी योजनाएं, श्रम योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं ली, आपको किसी का लाभ नहीं मिला। बस लड़की की शादी करी है भाई, 1 रुपया मिलो ना, करे फार्म भरेंगे नहीं मांगा, फार्म भरते उठाएंगे और मिलेंगे भाई, कहा करें हम? नहीं मिला पैसा? नहीं मिला पैसा? क्यों नहीं मिला, आप गए नहीं? अब फार्म भरे, सब काम करें, फिर भी ना मिला तो कहा करें? अब बस जा कहाँ, कजू बोल ना सकता और क्या करें है? जिस तरह मेरे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने। क्या नाम है आपका? माधव सिंह। जिस तरह 2022 का चुनाव नज़दीक है, 5 साल होने को आ गए, नई साल आ गई, और इस बार नई साल में क्या कुछ नया बदलाव चाहेंगे कि फिर से योगी सरकार चाहेंगे? मेरे ख्याल से BJP ही आनी चाहिए जी, इसके बारे में। योगी सरकार चाहेंगे? यस सर। योगी सरकार से क्या कुछ आपको लाभ मिल चुका है? लाभ तो हमको क्या, पूरी पब्लिक को ही मिला है हर चीज़ में। अभी तक जितने भी तुम्हारे राज्य हैं उसमें योगी जी ने काम किया है। राज्य, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, कई राज्यों के नहीं हैं आप। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं, उत्तर प्रदेश की बात करिए आप। देखो जी, जी यूपी में योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या कुछ काम किया? 5 काम गिना दीजिए मुझे। 5 काम देखो, लाइट का भी और रोड का भी काम किया हर जिले में। सबसे महंगी अगर बिजली पूरे देश में, सबसे अगर महंगी बिजली अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश की बिजली है। और टोरेंट से परेशान यहाँ सब लोग हैं, बोले कोई नहीं, टोरेंट सबसे महंगी बिजली दे रही है। बोलने में शायद ना बोल पा रहे हो, मैं आपको ये बता दूँ, सबसे महंगी बिजली अगर देश में कहीं है सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। मेरे साथ यहाँ और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करती हूँ। पहले सुंदर सिंह चौहान जी। सुंदर सिंह जी, मैं ये जानना चाहती हूँ 2022 चुनाव नजदीक है, किसको पहनाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज, किसको देंगे सत्ता की चाबी? ताज तो दोबारा योगी जी पहनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और रही बात कार्यों की, शायद एक ही यहाँ जनता अभी अवगत नहीं है कि इसी क्षेत्र में प्रथम मुख्यमंत्री बने थे योगी नित्यानंद जी, तो इसी बस्ती में ही आए थे, खर्रा में, मलिन बस्ती के अंदर, जाकि मलिन बस्ती में मैं रहता हूँ। और रही कार्यों की बात, तो जिस समय वो आए थे तो उस समय से आज तक सारे कार्य एकदम सफल पूर्वक हो रहे हैं, और कहीं भी आप जाकर देख सकते हैं जनता की पीड़ा होती है और हर भिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं जो अपनी अपनी मतभेद देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो व्यक्ति होता है जिस मानसिकता का, वो उस हिसाब से बात करता है, लेकिन ताज योगी जी ही दोबारा पहने। योगी जी को जिस रास्ते से लाना चाहिए था उस रास्ते को ना लाके ये गली से रातों रात वो गली बनी, उस गली से मुख्यमंत्री जी को लाया गया। अगर मुख्यमंत्री जी को आना था, ये मेन रोड है, इस मेन रोड से मुख्यमंत्री जी को इस क्षेत्र में क्यों नहीं लाया गया? बताओ क्या काम हुआ मुख्यमंत्री जी ने आने के बाद, इस क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या काम कर दिया, काम बता दे। आगे मुख्यमंत्री बनने के बाद आगरा में, तो हमारे यहाँ खर्रा में हुआ था, उसके बाद महिला सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहिए? महिला सुरक्षा के लिए ये है, महिला इस समय आजाद है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी जा सकती है, कोई विद्रोह नहीं है। सब जानते हैं कि सरकार बिल्कुल सतर्क है और कानून कार्रवाई में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरत रही है। महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सतर्क है और सुरक्षित है,
क्या कहना चाहेंगी मैम? शायद ये आगरा की ही, मैंने अभी पहले भी जो बात कही थी वो 6 साल की बच्ची का जो मैंने बताया रेप हुआ, खेत में डाल के मार दी गई, ये अभी की ताज़ा खबर है 2-3 महीने पहले की। उससे पहले एक संजली हत्याकांड हुआ था जिसको आग के हवाले कर दिया गया था, वो भी लड़की थी। क्या ये बात आगरा की नहीं है? आगरा से बाहर की हाथरस की बेटी थी जिसे जिंदा पेट्रोल से जला दिया गया। क्या ये महिला सुरक्षित, किस तरीके से सुरक्षित बताना चाह रहे हैं? ये मथुरा वाला जो मैंने आपको बताया कि SI की परीक्षा देने आई थी, खुद अधिकारी बनना चाहती थी और जाते समय उसके साथ रेप हो गया, ये कहाँ से महिला सुरक्षित? महिलाएं बिल्कुल योगी सरकार में सुरक्षित नहीं है। ये आपकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। और सोच कहाँ है? ये तो तथ्य है, बताओ ये कौन सी सोच है? ये बताइए, ये कैसे ये इन तथ्यों को कैसे नकार देंगे? सुरक्षित है ये उत्तर प्रदेश पूरा, सुरक्षित है योगी जी के राज में। महिलाओं का खत्म हो गया, 2 नंबर का वो लोग फड़फड़ा रहे हैं, ये देश बिल्कुल सुरक्षित है इस समय। 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, क्या महिला सुरक्षित है? ये वो ही कर रहे हैं, ये कह रहे सपा वाले कर रहे हैं। मैडम अब इससे ज्यादा गलत सोच कैसे हो सकती है कि कोई भी गलत काम करने वाला किसी पार्टी का नहीं होता है, वो एक गलत आदमी होता है, ठीक है? और कैसे कह देंगे सपा वाले? कौन सा इन पर सबूत है? क्या कौन सा अखबार में आया बताइए मुझे? सिर्फ बात मैडम, अभी भी मैंने आपको तो आज का अखबार उठा के दिखला लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। पीयूष जैन और पम्मी जैन में इनको अंतर नहीं पता कौन है। सपा 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 कर रहे हैं, क्यों इतना झूठ बोलते हैं? लोगों में नफरत फैलाने का काम करते हैं। कोई भी आगरा, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मैं इस क्षेत्र का रहना हूँ, कोई एक कोई अभूतपूर्व काम इस क्षेत्र के लिए बता दीजिए कि यहाँ के लोगों के बेहतरी के लिए हुआ हो। मैडम इस क्षेत्र की क्या नाली, खरंजे, सड़क, सब बने अभी बने कब बने? आप मुझे बताओ कब बने? सपा की सरकार में काम कराने के बाद बीजेपी के काम को बता रहे हो? सारे सपा के काम हुए वो बीजेपी करा रही है अपने नाम पे। अरे लूट के खा गई बीजेपी वालों ने सब कुछ, सपा ने कुछ नहीं चलाया, गुंडागर्दी। सपा को ना देश को नहीं, सपा ने प्रदेश को चलाया और प्रदेश सपा सरकार में जितना विकास हुआ ना, इतना विकास योगी सरकार नहीं कर पाई। कुछ नहीं हुआ सपा के राज में, गुंडागर्दी सब गुंडागर्दी हुई है सपा के राज। हमसे पूछिए, हमसे 5 काम मैडम पूरा ये हर उसमें जाके देखिए, पूरा देश फ्री राशन खा रहा है। और गुंडागर्दी, बहन बेटी कुंडल पहन के निकलती थी सपा के राज में, निकल नहीं सकती थी बहन बेटी सुरक्षित, आज सब सुरक्षित हैं। क्राइम रिकॉर्ड देखिए, निकाल कर देख लीजिए सरकार का क्राइम रिकॉर्ड, आपकी सरकार में कितना बड़ा है, कितना बड़ा आपकी सरकार ने। अरे आप देखिए तो सही, पहले राशन नहीं रोजगार दो, राशन हम अपने आप ले लेंगे, ये वोट के लिए रोजगार मिलेगा लोगों को तो राशन अपने आप खा सकता है, फ्री का राशन देते रहेंगे, सिर्फ ये लालच है। अभी नवंबर तक मार्च तक कर दिया और सरकार बन जाएगी तो बंद कर देंगे, ये सिर्फ मार्च तक है, लाइफ टाइम कर दे जब तक है। जरूरतमंद को जरूरत हमेशा के लिए, क्यों से मार्च तक बढ़ा दिया गया? खिला रहे मैडम, अरे सबको रोजगार मिल रहा है अब, ये तो जो ये गुंडागर्दी, दादागिरी और ये चोट चपाटी खत्म हो गई है ना, ये 2 नंबर वाले भड़बड़ा रहे हैं। मैडम फुल रोजगार मिल रहा है, बोलने फिर किसान के खाते में पैसे आ रहे हैं, नौकरी लग गई, नौकरी हमारी नहीं लगी है, बहुतों की नौकरी लगी है। जो लायक है अखिलेश के जमाने में नौकरी नहीं लगी थी, की कास्ट को नौकरी मिलती थी। खाली यादवों की नौकरी मिलती थी। एक तरफ से नौकरी मिल रही है, दूसरी तरफ से चाचा खड़ा है, दे जा बेटा 3 लाख रुपए तेरी नौकरी लग जाएगी। लिस्ट लग गई और लिस्ट मिली 3 लाख रुपए देने, मुझे लगवा दो 3 लाख मैं दे रहा हूँ, आप लगवा दो। कैसी फर्जी बातें कर रहे हो, कैसी फर्जी बातें कर रहे हो? अरे सुना, मैं भी टापा का रहने वाला यादव हूँ, मुझे नौकरी मैडम, मुझे नौकरी नहीं मिली। महिलाएं सब सुरक्षित हैं आज, महिलाओं को पूछो सब सुरक्षित हैं मैडम। जब 6 साल की बेटी के साथ रेप हो जाता है, ये वही कर रहे हैं, एक बेटी को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया जाता है पेट्रोल डाल के, तो आप कैसे कह सकते कि महिलाएं योगी सरकार में सब सुरक्षित हैं? मैडम पहले जैसे पहले के उनको उठा के देखो, मुलायम सिंह जी कहते थे कि
मुलायम जी कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है, जब लड़कियों पर नहीं वो हो रहे थे, वो तो खुलेआम कह रहे। आप ही के बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर के द्वारा एक बलात्कार के केस में उनको जेल हुई, और क्या बीजेपी के उनको जो गलत कर रहा है मैडम वो जेल काट रहा है, उनको फिर कार से मुक्त क्यों नहीं किया गया योगी सरकार के द्वारा? किसको नहीं किया गया? कुलदीप सेंगर जी को क्यों मुक्त नहीं किया गया? वो मैडम जेल में कहां है? आप मुझे जेल का कौन सी जेल में बंद है कौन सी? ये सिर्फ सिर्फ अंध भक्ति के अलावा कुछ नहीं पता, ना ये विकास का गिरा सकते, ना ये काम गिरा सकते। कोई अंध भक्त नहीं मैडम, कोई नहीं। अगर बीजेपी के विधायक के द्वारा बलात्कार किया जाता है फिर बेटियां कहां सुरक्षित है? सब सुरक्षित है मैडम, गलियों में जाके पूछो, लेडीजों से जाके पूछो, लड़की निकल नहीं सकती थी घर से, छीन ले गए सब। आप ही की पार्टी की प्रेजेंट में उपाध्यक्ष और पूर्व उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का भी कुछ दिनों पहले बयान आया था कि बेटियां शाम ढलने के बाद थाने ना जाएं। क्या महिला सुरक्षित है तो शाम ढलने के बाद बेटियां थाने अपनी बात कहने क्यों नहीं जा सकती? मैडम रात को 12 बजे लड़कियां घूम रही हैं, आज पहले नहीं घूमती थी, आज घूम रही है। फिर बेबी रानी मौर्य ने इस तरह का बयान दिया है? ये मैडम हमने नहीं सुना ना। बेबी रानी मौर्य जी ने जो जवाब दिया था कि बेटी शाम को नहीं निकल सकती, नहीं निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं जा नहीं सकती। जाने का तात्पर्य मेरा ये है कि बेबी रानी मौर्य का जो अर्थ था कहने का वो ये था कि जो अच्छे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उस आधार पर चलना चाहिए, और महिलाएँ जाने को निशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेबी रानी मौर्य जी खुद एक महिला है, वो सब जानती हैं। अगर अगर वो महिला है, अगर कोई बेटी परेशान है, क्या शाम ढलने के बाद कोई घटना होती है तो क्या थाने नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य यह था मैडम अगर कोई भी जाना चाहिए तो वो जाए और आराम से अपना जो भी पेश है वो वहाँ थाने में जाए, आराम से बताए। लेकिन कुछ अतत्व ऐसे होते हैं थानों में भी तो सरकार नहीं है फिर भी उसकी सरकार की बजाते हैं, इस कारण उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया। मेरे साथ यहाँ एक दुकान पे हम हलवाई की दुकान पर हम इनसे बात कर लेते हैं, ये बाबा बुजुर्ग हैं और हम इनसे बात कर लेते हैं, ये रोजगार से संबंधित है, इनसे बात कर लेते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? नाम हमारा कौशल किशोर जी। जिस तरह की योगी सरकार के 5 साल पूरे होने को है, नई साल आ गई, और नई साल में क्या नया बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव तो हर आदमी चाहता है जी, परंतु कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे आदमी कह भी नहीं पाता है जी। योगी सरकार में बदलाव चाहते हैं? योगी सरकार की बदलाव नहीं चाहते, इनके कार्यों का जो गुंडे आतंकवादी उल्टे सीधे काम करते हैं इन पर कोई जोमत लगा नहीं पाता है, वो अपना करते हैं वो करते हैं, कोई सुनाई होती नहीं उनकी कतई। इन्होंने बताया बाबा ने, अब मेरे साथ एक बाबा और अंकल जी मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम मनमोहन है। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं जनता के? रहता हूं। अच्छा, तो यहाँ क्या कुछ विकास हुआ, आपको कुछ फायदा मिला? नहीं, मुझे तो कोई विकास नहीं दिखा, महंगाई के सिवाय कोई एक चीज नहीं दिखाई दी। महंगाई? हाँ, वोट का नंबर आता है तो सबका अलाउ हो जाता है, और जब किसी चीज का योगदान गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है तमाम अड़चने आ जाती है, कोई भी सरकार आ जाए ये हमेशा देखा गया है, यानी वोट के लिए सुरक्षा है, हर चीज बन जाएगी। आप वोट डाले आइए, आंख मीच के डाले आओ, आपका तुरंत वोट है। 18 साल का बच्चा हो जाए उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि कैसे बना कैसे नहीं बना, उसको अधिकार है वोट डालने का। मगर जब कोई सुरक्षा या लेन देन की या सरकारी सुविधा की आती है, वहाँ तमाम तरह की अड़चन होती, गरीब तक पहुँच ही नहीं पाती है वो चीज़। अच्छा, आपका क्या कुछ रोजगार है, आप अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करते हैं? मैं कुछ नहीं, आज के 200 रुपये कमाने के लिए मुझे 12 घंटे के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, 200 रुपये नहीं मिल रहे मुझे। ढंग मैं गाड़गिरी कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, 12 घंटे ठंड में कोई सुविधा नहीं है, कोई जरूर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब ये अपने शरीर पे टिको, और 200 रुपये 12 घंटे के हैं। दिमाग वाले खा रहे हैं जो पढ़े लिखे हुए हैं, ताकतवर हैं जिन पर पैसा है, गरीब तीसरे नंबर का बिल्कुल मिट चुका है, उसकी कोई सुनने वाला है ही नहीं है। योगी जी ने तो गरीबों के लिए राशन फ्री कर दिया है, योगी जी ने गरीबों के लिए श्रम कार्ड भी बनवा दिया है, वो भी पूरे सुरक्षित नहीं है, गरीब को नहीं मिल रहा उसका, बड़े बड़े ही लोग ले रहे हैं, बड़े बड़े ही उसमें पैसे खा रहे हैं, कोई किसी की सुरक्षा नहीं है, गरीबों को कुछ नहीं, तीसरे नंबर गरीब की तो कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई रोजगार है, उसकी आँख बेकार हो गई तो बेकार बैठा रहे,
पांच बच्चे हैं उसके छोटे, ना बच्चों की पढ़ाई के लिए, झूठ बोल देते हैं, जो काम जिनको करना है वो कर ही नहीं रहे। रोज योगी जी ने तो कन्याधन योजना भी है, तमाम योजनाएं निकाली, आवास योजना, जिसके अंदर दिमाग है बस वही पा रहा है इस योजना को, बाकी जो पढ़ा लिखा रही है वो अपने घर बैठे रहे, अपनी ऐसी मराए, कोई मतलब नहीं है किसी को भी। तो इस बार बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव होना चाहिए, गवर्नमेंट कोई भी आ जाए। किसको बनाना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता, देखो मेरे लिए सब है, कोई भी गवर्नमेंट जाए सब कोई नहीं छोड़ता है। योगी जी से आप परेशान हैं? नहीं नहीं, योगी जी परेशान नहीं हूँ मैं, नहीं परेशान हूँ, वो काम चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहा हूँ यही कि जो थर्ड क्लास का आदमी है उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं, क्योंकि उसका वोट काम का नहीं है, नहीं उसका वोट सबसे ज्यादा अहम है और गरीबी वोट देता है मैं आपको बताऊं, मगर रोजगार बिल्कुल नहीं है, बहुत परेशान है लोग। बात यहाँ तमाम लोगों ने मुझसे बात की और ये जाना मैंने, और यहाँ हमारे साथ एक भाई और मौजूद है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री का 2022 ताज किसको पहनाएंगे और किसको देंगे सत्ता के हाथ की ये 2022 की चाबी। क्या नाम है आपका? मैं दिनेश लोधी जी। जिस तरह 2022 का चुनाव नजदीक है और जो नेताजी लोग हैं, जो पार्टियों के जो नेता हैं, उनकी धड़कनें तेज हैं, आप किसको इस बार ताज पहनाएंगे? निष्पक्ष भारतीय जनता पार्टी, निष्पक्ष पूर्ण बहुमत से, कोई उसमें शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, गरीब से लेके अमीर तक, अमीर से लेके चाहे झोंपड़ी तक, झुग्गी झोंपड़ी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के लिए योजनाएं चल रही हैं और घर घर मुफ्त राशन, और जो गरीब लोग जो बोल रहे हैं, कैसे कह सकते हैं मेरे साथ ये मौजूद है, इन्होंने कहा कि इनको कुछ नहीं मिला, ये बहुत परेशान है, घर 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 कुछ नहीं मिला, घर घर इनकी मैडमों से जाके पूछे, घर घर जाके, घर घर फ्री में राशन मिल रहे हैं, क्या कहना चाहिए, सब कुछ दे दिया आपको, राशन कितना मिल रहा हो, महंगाई कितनी मिल रही है ये देखिए आप, भाई ये तो राशन मिलेंगे, नौकरी अपनी जगह, कौन सी सरकार नौकरी दे रही है, कितने आज आज कोई सी भी आप सरकार को ले लीजिए, कितनी कितने परसेंट रोजगार बेरोजगारों को नौकरियां मिली हैं। इनका कहना है सिलेंडर भी दिया योगी जी, तीन चीज जी, तेल चीनी ये गरीब की है जी, आप इस पे महंगाई देख लीजिए, आप 3 किलो एक व्यक्ति पे कितना मिल जाता है, योगी जी ने रोटी कपड़ा और मकान, योगी जी ने रोटी कपड़ा और मकान तीन चीज गरीब का है, योगी जी ने 3 महीने का राशन फ्री कर दिया, ठीक है साहब, वो अपने घर से नहीं, वो भी पब्लिक का ही पैसा है, अपने घर से कहीं नहीं किया उन्होंने, घर से कोई भी ना योगी जी घर से कोई नेता नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन आपका हिंदुत्व उन्होंने जगा दिया, मंदिर राम मंदिर बनवा दिया, आप अगर कहीं के नहीं रहोगे, आप हिंदू नहीं हैं? नहीं हिंदू हैं हम तो, ऐसी बात नहीं है, क्या सरकार कोई भी आ जाए, हमें सरकार से गिला नहीं है, सरकार कोई भी आ जाए, उत्तर प्रदेश में 20 उत्तर प्रदेश में 20 साल से दूसरी सरकार है, नहीं क्या कोई एम्स उत्तर प्रदेश में खुला, एम्स उत्तर प्रदेश में अब इस समय योगी सरकार ने बनाया, पहले तो सैफई में बनते थे, एम्स की जानकारी में बता दूं, एम्स आगरा में बनता तो मुझे खुशी होती क्योंकि आगरा के रहने वाले हैं, ठीक है, मुझे उससे ज्यादा खुशी तब होती है एम्स आगरा में बनता, अगर गोरखपुर में एम्स बनाए तो लोग अपनी जानकारी कर लें, उसकी उसकी आगरा में बन रही है सरकार उत्तर प्रदेश में, शिक्षा युवाओं के लिए क्या कुछ रोजगार और किस तरह की शिक्षा का, शिक्षा के राज मैं बताऊंगा, शिक्षा पे फीस जो 2000 रुपए 1800 रुपए जो फीस हुआ करती थी बीए की सरकारी कॉलेजों की, आज 6000 रुपए, बताइए गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, सरकारी स्कूलों में इतनी फीस हो जाएगी, सरकारी कॉलेज में सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजते ही नहीं है साहब, प्राइवेट कॉलेजों में भेजते हैं, और नहीं तो सरकारी योजनाएं तो फ्री में चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो बस पूछिए भैया के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, भैया के कॉलेज बच्चे कहाँ पढ़ते हैं भैया, तो हमें कोई गिला नहीं है, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो ना हमें महंगाई से कोई गिला है, हमारे सरकारी स्कूलों में हमें अगर पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें विरोध भी नहीं है सरकारी स्कूल से, प्रोत्साहन करिए बच्चों को, अगर शिक्षा का स्तर इतना गिरा, हम इस लायक हैं कि हम अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, हम इस लायक हैं, जो गरीबी रेखा के हैं वो बेचारे उसी में पढ़ा रहे हैं, ये नहीं है बच्चे के लिए सरकारी स्कूल बनाए, शिक्षा का
शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि गरीब के बच्चों को पढ़ा रहने दो, सरकारी स्कूल में पढ़े, मेरे पे पैसा है, मेरे पे पैसा है, मैं बड़े स्कूल में पढ़ा लूंगा। ये कौन सा न्याय है? जबकि 10,000 रुपया अभी उनका फीस है इस कोरोना की, और उसके बावजूद भी चुक नहीं पा रहा है। 200 रुपए में मैं दो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा। लॉकडाउन में 3 बच्चे तो मेरे फालतू बेकार चले गए। मैं आपको बताऊं किन बच्चों को रोकूं मैं? एक लेबर और बेलदार की भी आज 400 रुपए झाड़ी है, और भाई साहब कह रहे हैं 200 रुपए। इन भाई साहब को मैं 250 रुपए झाड़ी में, मैं अपने यहाँ मजदूरी देता हूँ 250 रुपए में दे रहे हैं, यानी 400-500 रुपए चल रहे, वो अभी भी उसमें से 250 रुपए की अपनी बात कर रहे हैं। देखिए 500 रुपए मिल रहे हैं 400 रुपया, वो फिर भी 250 रुपए की बात कर रहे हैं। 250 रुपए से मैं रोजगार देंगे। लिस्ट हमें दीजिए, हम 250 रुपए से रोजगार देंगे। हम देंगे 250 रुपए से, हम लेबर देंगे 250 रुपए से रोजगार। मेरी बात सुनिए, हम लेबर से मतलब नहीं, हम 250 रुपए में रोजगार देंगे। भाई साहब बोल रहे हैं कि 200 रुपए में रोजगार है, आज कौन 200 रुपए में रोजगार कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। मैं गार्ड कर लेता अभी प्रेजेंट में 12 घंटे मैं कर रहा हूँ गार्डगिरी, अभी भी प्रेजेंट में वही हूँ मैं। 12 घंटे कोई सुविधा नहीं है, एक लकड़ी तक की नहीं है, ऊपर छाया नहीं है, अपना ही है जो कुछ है, सिर्फ एक कुर्सी मिली हूँ वहाँ से। अरे वो वाली कॉलोनी तो पूर्व मेयर जो मंजुला माहौर है उनका है, अंजला माहौर, तो वहाँ पे क्या लकड़ी की भी व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ। मैम चले गए बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष जी, चले गए बीजेपी के लोग तो अलार्म जगा रहे हैं जी। हमें तो नहीं मिल पा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मिल पाया हमें अभी तक। अब वही तो कह रहा हूँ, मैंने लिस्ट बोल दी है, ले लियो महीना। ऐसी कौन सी सरकार है जो डेली काम दे रही है आपको, ये बताओ मुझे। अरे सरकार काम नहीं दे, नीचे वर्ग के जितने भी लेबर क्लास के आदमी हैं, कौन सी सरकार काम दे रही है? मैं पूछ रहा हूँ कौन सी सरकार काम दे रही है बताओ मुझे। मैं पूछ रहा हूँ कौन सी सरकार काम दे रही है? जिसे बेलदारी करनी है उसे करनी है, जिसे दूध बेचना हो दूध बेचेगा, जिसे हलवाई काम करना उसे करना है, लेकिन पब्लिक को खुद के बारे में सोचना चाहिए। योगी सरकार ने जो रोजगार देने का वादा किया, कितने लोगों को रोजगार, आपको रोजगार मिल गया क्या? नहीं मिला, नहीं मिला, इस बात को नहीं कहूँगा। कोई किसी को रोजगार नहीं मिला, सब वही दिमाग वाले जो पैसे वाले वही रोजगार अपना खुद का कर रहे हैं। यूपी चोर मुक्त कहा था योगी जी ने, ये तो चोर खुलेआम घूम रहे। ट्रैक्टरी चोरी हुई, 9 महीने हो गए, चोर खुलेआम घूम रहे हो। नाम बता रहा हूँ, नाम खुल के बता रहा हूँ, फिर भी कोई पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। योगी सरकार तो कहती है गुंडों को हटाई दिया, गुंडागर्दी खत्म कर। कोई नहीं गुंडे, मैं बता रहा हूँ, नाम बता, खुले में नाम बता रहा हूँ, पुलिस को फिर भी नहीं पुलिस पकड़ रही है। SSP, DIG, DM, ADG सबके यहाँ मेरी एप्लीकेशन लगी हुई ऑलरेडी। योगी जी कहते हैं अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। अपराध मुक्त है कहाँ यूपी? और अपराध बढ़ गया, खुले में चोर घूम रहे हैं, खुले में पुलिस खुद उनको शरण चढ़ दे रही है। यहाँ से विधायक बन गए, वो अभी तक यहाँ पे जगह नहीं है, अभी तक जगह नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर GS धर्मेश विधायक बन गए, अभी तक यहाँ पे जगह नहीं है। जितने का ट्रैक्टर नहीं था उतने तो मैं खर्च कर चुका, बता बता के पुलिस वालों को, यही चोर है, एक भी बार नहीं पकड़े। नई साल क्या बदलाव चाहिए? बदलाव का पूरी तरह से बदलाव चाहिए। योगी सरकार से खुश नहीं है चोर, योगी सरकार से खुश है लेकिन चोरों से खुश नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है सरकार से, क्योंकि डॉक्टर GS धर्मेश हमारे यहाँ से विधायक बने, अभी तक जगह नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर GS धर्मेश हमारे यहाँ से विधायक बन गए, मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री हैं इस समय, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे जगह नहीं है। नालियाँ भरी पड़ी है, कोई सफाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। बरसात के मौसम में अगर आप मैडम आओगी तो यहाँ कमर से ऊपर पानी होता है, स्कूल के जाने वाले बच्चे नाले में गिरते हैं आए दिन, रोड और नहर के बीच में कोई फर्क नहीं रहता। क्या समझते हैं इस बार 2022 नई साल क्या नया बदला? बिल्कुल नई साल नया बदला। इस बार अखिलेश यादव मैडम सपा की सरकार में आजम खान की भैंस मिल सकती है, तो योगी की सरकार में भी चोरों को मिल सकती है। जबकि सपा की सरकार में उनको नाम नहीं बताया था, मैं तो खुल के नाम ले रहा हूँ, फिर भी पुलिस को उठाने का काम चोरा का खुल का नाम ले रहा हूँ। उनकी फुटेजी है उसके दरवाजे के पास, SI सुनील कुमार के पास में, पूरी वीडियो उसके पास में, जो चोरी है चोरी नहीं है, महाचोरी है, ये गैंग है, यहाँ पे गैंग है, उसको दबाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। मतलब साफ तौर से आपका कहना है कि योगी सरकार में अपराध मुक्त नहीं हुआ? नहीं, अब अपराध मुक्त नहीं है। आगरा में तो खुले में चोर घूम रहे हैं,
अगर मुझे सामने किया जाए तो मैं चोरों को पकड़वाऊंगा। मैं चोरों को खुद नाम लेके खोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब आगरा के सब अधिकारियों के सामने बता रहा हूँ। फिर भी आगरा के अधिकारियों ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। एडीजी जोन बैठे थे, एडीजी के पास चाचा दफे हुआ है, एसपी सिटी, एसपी, डीआईजी, डीएम, ऐसा कोई अधिकारी नहीं। ठीक है, जिस तरह ये यहाँ हमने जनता से बातचीत की और जनता ने पूरी तरह से बताया और जनता ने पूरी तरह अपना मूड बना लिया है कि 2022 नई साल नया बदलाव चाहती है जनता, और इस बार दूसरी सरकार को ही चाहती है, नया साल नहीं, नया बदलाव, नई सरकार। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी इंडिया। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।